सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन के चुनहेटी फाटक के पास दबंगों ने पति के सामने ही पत्नी का सामूहिक बलात्कार किया। इतना ही नहीं, बंधक बनाकर पांच युवकों ने गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम देने के साथ एमएमएस भी बना डाला, तो वही पीड़िता एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर काटती रही। बाद में आला अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश में जुट गई। आपको बता दें कि पति पत्नी बाइक से 24 अगस्त को अपने गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में चुनहेटी फाटक के पास पांच युवकों ने दोनों को रोककर खेत में ले गए और पति को बंधक बनाकर पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया और बाद में फरार हो गए। पीड़िता जब घटना के बाद एफआईआर दर्ज करने पहुंची तो पुलिस मामले को दबाने लगी। बाद में एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने 4 सितंबर को एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हम डॉक्टर के जा रहे थे चनेटी, वहाँ से हम देर हो गई, वहाँ से डॉक्टर की दुकान में भीड़ लग रही थी और फिर हम छित बने गए नहीं थे, रिश्तेदारी में जा रहे थे। इतने में रास्ते में पता नहीं कहाँ से आए पांच जन, उन्होंने हमारे साथ में बलात्कार किया और मेरे आदमी को बांध दिया और क्या कह रहे उसका तमंचा रख दिया माथे पर, मुझे छुरिया दिखाई 4 जनों ने। जोर से बोल। जो वीडियो बनाई है? हाँ जी, वीडियो बनाई है। और मेरा पायल थी 17-18 तोले की और गुंठी थी सोने की और सोने के कुंडल थे, 1000 रुपये थे। मुकदमा, इंसाफ चाहिए मुझे ना, इंसाफ मिला तो ही इसी जान देख मरूंगी सबके सामने। मैं कई दिन हो गए चक्कर काट रखे, आजकल कर रखी है रोज रोज। जी हम एक मामला संज्ञान में आया कि महिला से पति को बंधक बना गैंगरेप की घटना हुई, क्या मामला? देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थाना पर जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर मेडिकल के लिए भेज दिया गया, विधिक कार्रवाई की जा रही है। We'll be right back.